नमस्कार बच्चों, आज हम लोग परोपकारी कछुआ नामक कहानी का शेष बचे हुए भागों को पढ़ेंगे। शेष कहानी को आज हम लोग जानेंगे। तो मैंने जहाँ तक पढ़ाया था वहाँ तक की कहानी को मैं आप लोगों को संक्षेप में बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए, उसके बाद मैं पूरी कहानी पढ़ाऊँगी। एक तालाब में एक कछुआ रहता था। वहीं पे तालाब के पास एक जामुन का पेड़ था, उसमें जामुन के गुच्छे लगते थे जो बहुत मीठे होते थे खाने में। उस जामुन के पेड़ पर बहुत दिन के बाद एक कौवा और उसकी पत्नी आकर रहने लगे। कौवा अक्सर दूसरों से मारपीट झगड़ा लड़ाई किया करता था, लेकिन उसकी पत्नी उसके बिल्कुल उल्टी स्वभाव की थी, उससे अलग स्वभाव की थी, वह बहुत ही नम्र स्वभाव की थी। तालाब से जब कछुआ बाहर निकलता तो कौवा उसे बहुत परेशान करता था, उसके पीठ पर चढ़ जाता, अपनी ताकत को दिखाने के लिए उसे उलट देता था। उससे परेशान होकर कछुआ तालाब से निकलना बंद करता, क्योंकि कौवे का यह स्वभाव कछुआ को पसंद नहीं आता था। कछुआ जब उस कौवे से कहता है कि तुम तो रोज़ ही मेरी पीठ पे चढ़ते हो, कभी मुझे भी अपनी पीठ पे चढ़ाया करो, तो कौवा उसे जवाब देता है, अपना चेहरा देखा है, उपला सा तुम्हारा चेहरा है, मैं तुम्हें क्यों चढ़ाऊँगा अपने पीठ पे। इस बात से कछुआ को बहुत निराशा होती है और वह तालाब में चला जाता है और कौवा जामुन की पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। कौवे के स्वभाव के कारण कछुआ तालाब से बाहर निकलना कम कर देता है। ठीक है, हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। उसके बाद मैं कहानी को जो शेष बचा हुआ है उसे रीड कर रही हूँ, आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो और उसे समझने की कोशिश करो। तो मैं रीडिंग कर रही हूँ पहले। कुछ दिनों बाद कौवे की पत्नी ने घोंसले में अंडे दिए। कौवा कौवी बहुत खुश थे। उस पेड़ पर लगे जामुन के गुच्छे भी पकने लगे थे। एक दिन गांव के लड़के आए और जामुन के पेड़ पर चढ़कर जामुन खाने लगे, तो कौवा और कौवी ने काँव काँव करके आसमान सिर पर उठा लिया। उनकी काँव काँव सुनकर और भी बहुत सारे कौवे इकट्ठे हो गए और जामुन के पेड़ पर चढ़े लड़कों को अपनी चोंचों पंजों आदि से हमला करने लगे। एक लड़का जब कौवे के घोंसले के पास जाकर एक गुच्छे को तोड़ने का प्रयत्न करने लगा तो हिलने डुलने के कारण घोंसले में से एक अंडा निकलकर सीधा तालाब में जा गया। तो कुछ दिनों के बाद कछुआ जब तालाब में चला जाता है, तालाब से निकलना कम कर देता है कौवे की स्वभाव के कारण, कौवे के बिहेवियर के कारण, तो उसके कुछ दिनों के बाद कौवे की पत्नी ने अंडा दिया, जिससे कौवे और कौवी दोनों बहुत खुश हुए। उस पेड़ पर लगे हुए जामुन के फल पकने लगे थे। एक दिन गांव के लड़के आकर जामुन का फल तोड़ने के लिए चढ़ जाते हैं पेड़ पर, जामुन खाने लगते हैं, तो कौवा कौवी उन बच्चों को देखकर बहुत काँव काँव करने लगते हैं, आसमान सिर पर उठा लेते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनके काँव काँव सुनकर बहुत सारे कौवे आ जाते हैं उनकी मदद करने के लिए। एक लड़का जामुन के पेड़ पर लगे हुए फल को तोड़ने का प्रयत्न ही कर रहा था कि उसी के पास कौवा का घोंसला था जिसमें उसके सारे अंडे थे। वहाँ से एक अंडा नीचे तालाब में गिर जाता है। कौवा और उसकी पत्नी यह देखकर उस लड़के पर इतनी ज़ोर से हमला किए कि दूसरे साथियों के भांति उसे भी पेड़ से नीचे उतरकर गांव की तरफ भागना पड़ा। कौवा कौवी एक अंडा तालाब में गिर जाने के कारण बहुत दुखी थे। वे तालाब के किनारे बैठकर रो रहे थे, किंतु कुछ ही पल बाद
वही कछुआ अपने मुंह में अंडा लिए बाहर आया और घास पर रखता हुआ बोला, शुक्र है तुम्हारा अंडा पानी में ही गिरा, यदि थोड़ा दूसरी तरफ गिर जाता तो टूट जाता। मैंने पानी में से गिरते हुए देख लिया था और मुंह में पकड़ लिया। अब चिंता की कोई बात नहीं, यह सुरक्षित है, संभालिए। कछुए को धन्यवाद देने के लिए उन दोनों पति पत्नी के पास शब्द नहीं थे, क्योंकि कछुआ को हमेशा परेशान किया करता था, उसके साथ झगड़ा लड़ाई किया करता था कौवा। फिर भी कछुआ ने क्या किया, उसके गिरते हुए अंडे को बचाया। हाँ, तो उसने परोपकार की भावना से दूसरों के ऊपर उपकार करने के कारण उसने उसके अंडे को बचाया, एक भल मनसाहत की तरह, ठीक है। जब कौवा और कौवी को पता चलता है कि उसके अंडे को कछुआ ने बचाया, तो वो उनके पास उसे धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं थे। तो यही पूरी कहानी है जिसे आप लोगों को पढ़ना है, ध्यान से पूरी चैप्टर को रीडिंग करनी है, क्योंकि हमेशा इनसाइड से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तब तक के लिए नमः शिवाय, घर पर रहे, सुरक्षित रहे और पढ़ाई करें, चैप्टर को पूरी तरह से रीड करें।